पिछली कड़ी में हम लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश की किन किन स्थितियों में, किन कैसी कैसी सिचुएशंस में संतान नहीं होती है किसी को। सबसे पहले हम बातें करते हैं गोपाल संतान मंत्र की। ये मंत्र श्री कृष्ण के बाल रूप का है, उनके बाल रूप से रिलेटेड मंत्र। इस श्री कृष्ण के एक तस्वीर के सामने एक या तीन माला, यानी कि 108 बार या 324 बार रोज सुबह और शाम दोनों संध्या काल में, यानी कि जब सूरज उग रहा और सूरज ढल रहा, उस समय इसका पूर्ण निष्ठा के साथ कातर भाव से, यानी कि उसमें डूब जाना पूरी तरीके से, अगर जाप किया जाए तो अमूमन 3 महीने बाद इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। दूसरा, एक आपने सुना होगा पौराणिक काल में भी और वैदिक कालों में भी, जो है पुत्रेष्ठ यज्ञ कहलाता होता था। अमूमन ये 11 या 9 दिनों तक चलने वाली पूजा थी, जिसका सकारात्मक परिणाम किसी भी हाल में आना ही होता था। और ये अपनी अधिकतम आयु, संतान उत्पन्न करने की जो अधिकतम आयु है किसी स्त्री या पुरुष की, उसको वहां तक पहुंचने वाले लोगों पर भी इसका परिणाम सकारात्मक मिलता है। इसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्योर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के रूप में आता है भाव, भावेश और कारक से रिलेटेड जो ग्रह या राशियां संतान उत्पत्ति में सबसे बड़ी बाधा जो बन रही है, उनका उपचार किया जाए। यानी कि जिन क्रूर पापी ग्रहों की दृष्टि या युक्ति है 5वें भाव और उसकी राशि से, जैसे एक फॉर एग्जांपल हम तुला राशि की किसी कुंडली की बात करें जिसमें 5वां स्थान जो है शनि का है, कुंभ। शनि अगर 12वें भाव में चला गया, 8वें भाव में चला गया, यानी कि पंचमेश या छठे भाव में, साथ ही इसी शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो और 5वें स्थान पर राहु या केतु में से कोई देख रहा हो, तो ये एक जटिल निसंतान योग सृजित करता है, बनाता है। ऐसी सिचुएशन शनि को मजबूत बनाने की यहां जरूरत है, ताकि वो 12वें या 8वें या छठे भाव में रह के भी जो प्रताड़ित ना हो, पीड़ित ना हो। दूसरा, उसे देखने वाले ग्रहों को प्रसन्न रखने की जरूरत यहां पड़ती है। जैसे कि अगर राहु या केतु और मंगल अलग अलग तरीके से देख रहे हैं 5वें और 5वें भाव को और 5वें भाव की स्वामी, तो ऐसे केस में इन ग्रहों को प्रसन्न करके इनके नकारात्मक प्रभाव को रोका जा सकता है काफी हद तक। और तीसरे नंबर पे इनकी रेमेडी रत्नों के द्वारा, यानी कि 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह का पावर, अगर वो 5वें भाव के लिए अच्छा कर रहा है तो उसका पावर बढ़ाकर उसे फंक्शनल बनाया जाए, यानी कि उस कार्य करने की स्थिति में उसे लाया जाए, तब जाके संतान योग बनेगा, यानी कि पूर्ण निसंतान योग या अल्प संतान योग से छुटकारा मिलेगा। ग्रहों के उपचार के विषय में थोड़ा समय समझना चाहिए कैसे किया जाएगा, यानी कि ग्रहों को प्रसन्न करना है तो हम क्या करें। उदाहरण के तौर पर मानिए मंगल को आपको प्रसन्न करना है, मंगल आपकी कुंडली में 5वें स्थान को खराब कर रहा है, तो ऐसे केस में मंगल के पावर को बढ़ाने की बजाय उसके हैप्पीनेस को हमें देखना होता है। हैप्पीनेस के लिए मंगल से रिलेटेड जो टोटके होते हैं, जैसे कि अगर आप हनुमान जी की उपासना करें या सुंदर कांड पढ़ें या मंगल से रिलेटेड कुछ दान करें, तो ऐसे केस में मंगल पावरफुल होने की बजाय, क्योंकि वो निगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, उसे हम पावरफुल करेंगे तो फिर वो और बिगाड़ेगा। पावरफुल करने की बजाय उसकी हैप्पीनेस बढ़ेगी, जिससे कि वो 5वें भाव को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसके लिए न्यूट्रलाइज होता चलाएगा, और अगर आपने अच्छी तरह से प्रसन्न किया है तो एक सीमा तक वो सपोर्ट भी करने लगता है। रत्नों का प्रयोग भी हमें जानना चाहिए, किस तरह के रत्न कब पहने जाएंगे। 5वें भाव को खराब करने वाले ग्रह का रत्न कभी भी मत पहने, यानी कि जो ग्रह 5वें भाव के लिए नुकसानदेह हैं, उनका अगर हम रत्न पहनेंगे तो पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगेंगे,
और संतान उत्पत्ति की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके बजाय जो पांचवें भाव को सपोर्ट करने वाला ग्रह है उसको हम मजबूत बनाए, यानी कि पांचवें भाव को देखने वाला या पांचवें भाव में बैठा हुआ ग्रह या पांचवें भाव का कारक ग्रह, इन तीन सिचुएशंस में हम इस तरह के ग्रहों को मजबूत करने वाले उपाय के रूप में रत्नों का प्रयोग करते हैं, और यही रत्न उनके पावर को बढ़ाते हैं और वो सख पॉजिटिवली एक्ट करते हैं। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखें, जो नकारात्मक ग्रह हैं, जो पांचवें भाव को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए रत्न कभी मत पहने, साथ ही साथ उनके पावर को बढ़ाने की कोशिश मत करें, चाहे वो यंत्र मंत्र तंत्रों के द्वारा भी, बल्कि उनके हैप्पीनेस वाले प्रयासों को अपनाएं तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है। नमस्कार।